एवरीवन, दिस इज शिखा श्रीवास्तव फ्रॉम मैथमेटिक्स फार्म। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग क्लास 8 चैप्टर 5 दैट इज स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स में एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच मस्ट बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन्ड। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि ऐसा कौन सा छोटे नंबर को हम सब्ट्रैक्ट कर दें फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, इन नंबर्स में से हम ऐसा कौन सा छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट कर दें कि हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। अभी ये जो नंबर गिवन है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बोल रहा है इसमें क्या छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट कर दें कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। फिर उसके बाद ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन्ड। फिर आपको जो परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा उसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो अगर आपको मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन करने को बोले कि ऐसे कौन से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें, तो आप लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना होता है। और अगर आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन बोले कि ऐसा कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट कर दें या फिर एड कर दें, तो आपको वो डिवीजन मेथड से सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? डिवीजन मेथड। चलिए फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। 402 पेयरिंग करेंगे। सबसे पहले 02 पे एक बार लगाया और 4 पे एक बार लगाया। अब जैसे डिवीजन मेथड करते हैं वैसे ही करेंगे। 2 2 4 कैंसिल हो गया, यहाँ प्लस 2 करेंगे, 2 और 2 4 बन जाएगा। अब यहाँ 02 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 0 और 0 लिखेंगे। 40 को 0 से मल्टीप्लाई करिए, 40 × 0 करेंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। तो 40 × 0 0 0 आएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2। जब इसको माइनस किया तो यहाँ पे आ गया 2। अब यहाँ पे कुछ रिमाइंडर बच जा रहा है, यहाँ पे 2 बच जा रहा है। अगर यही 2 ना बचा होता रिमाइंडर में तो जो हमारा नंबर होता वो परफेक्ट स्क्वायर होता, बट यहाँ हमको 2 बच गया। इसका मतलब ये जो नंबर है 402 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम किस नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? तो यही 2 ना आए, बस यही 2 को अगर हम हटा दें, 2 को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा हमारा। तो किस नंबर सब्ट्रैक्ट कर दें? 2 से। तो यहां लिखिए सब्ट्रैक्ट टू फ्रॉम 402 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। और कितना आएगा जब 402 में से 2 माइनस करेंगे? तो आएगा दैट इज 400। 402 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 400। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर पता चल चुका है कितना? 400। यहां पे लिख लीजिए परफेक्ट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400। अब इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। बाद में बोला है कि स्क्वायर रूट निकालना है उस परफेक्ट स्क्वायर का, तो स्क्वायर रूट ऑफ 400 कितना आ जाएगा? तो ये आपको पता है 20 आएगा, है ना। जब यहाँ रिमाइंडर 0 हो जाएगा और हमने 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो यहाँ 400 बचेगा ना। जब 400 का हम वो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें कितना आंसर आएगा? 20 आएगा। यहाँ पे हम लोगों ने निकाल रखा है, दिस इज द आंसर। सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे। सेकेंड पार्ट इज 1989। डिवीजन मेथड से कर रहे हैं तो सबसे पहले पेयरिंग करेंगे। 4 4 जा 16 होगा। 4 4 जा 16 17 18 19 कितना आया सब्ट्रैक्ट करने पे? 3 आया। यहाँ प्लस 4 करेंगे, 4 और 4 कितना हो गया? 8 हो गया। और यहाँ 89 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे और यहाँ पे कौन सा सेम नंबर का मल्टीप्लाई करें कि इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करने पर 389 से ज्यादा ना हो, 389 से कम हो? ठीक है, तो अगर मैं यहाँ 4 लिखती हूं तो 84 4 जा कितना होगा? 84 4 जा कितना होगा? 4 4 जा 16 1 8 4 जा 32 32 और 133। अभी एक बार और ले जाते हैं 5 बार, तो 85 × 5 चेक करते हैं। 5 5 जा 25 8 5 जा 40 40 और 2 42। देखिए ज्यादा हो गया 5 से मल्टीप्लाई करने पर, तो हम लोग 4 और 4 यहाँ पे लिखेंगे।
यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 और यहाँ पे भी 4, तो 84 4 जा कितना आएगा 336। सब्ट्रैक्ट करिए, 9 में से 6 गया 3 एंड 8 में से 3 गया 5, रिमाइंडर बच गया 53। अगर रिमाइंडर ना बचा होता तो ये नंबर जो होता ये परफेक्ट स्क्वायर होता, बट क्या अभी ये परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर बच जा रहा है। तो अगर मैं इस रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर दूं इस नंबर से तो जो नंबर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। तो चलिए इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, लिखिए सब्ट्रैक्ट 53 फ्रॉम 1989 से 53 सब्ट्रैक्ट करेंगे टू गेट परफेक्ट स्क्वायर, और दैट इज वो नंबर क्या आएगा, दैट इज, चलिए यहां सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 1989 में से 53 को, तो कितना आ जाएगा, 9 में से 3 गया 6, 8 में से 5 गया 3 एंड यहां क्या आया 19, तो क्या आ जाएगा 1936। अब ये जो नंबर आया है ये परफेक्ट स्क्वायर है। जब आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर फाइंड पता चल गया तो आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1936 कितना आ जाएगा, यही आएगा 44। दिस इज द आंसर। ठीक है, हम लोगों ने कैसे बोल दिया कि 44 आएगा, क्योंकि हम लोगों ने कैलकुलेट किया है ना, यही इतना ये रिमाइंडर ज्यादा हो रहा था, इसको जब इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या बचेगा, ये 1936 ही तो बचेगा, और 1936 का डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे तो 44 आंसर आएगा, तो 1936 का स्क्वायर रूट 44, दिस इज द आंसर। नाउ थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन इज 3250, पेयरिंग कर लिया, अब चलिए डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। 5 5 जा 25, 6 6 जा 36 ज्यादा हो जाएगा, तो 5 5 जा 25 करेंगे, 12 में से 5 गया 7, यहाँ प्लस 5 करेंगे 5 5 10 हो जाएगा और यहाँ 50 आ जाएगा। अब यहाँ पे कौन सा नंबर लिखें, कौन सा सेम नंबर लिखें कि इस नंबर का मल्टीप्लाई इस नंबर से करने पर 750 से ज्यादा ना हो, तो देखिए यहाँ पे 100, यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे वही सेम नंबर लिखना है, बताइए किससे मल्टीप्लाई कर दें। अगर मैं 6 से करूं, ठीक है 6 से, तो 10 6 जा 60, ये लगभग 60 के नियर में आएगा, और अगर 7 से करूं 107 × 7, तो 10 7 जा 70 के लगभग आएगा, और यहाँ पे है 75, तो इसका मतलब अगर 108 करूं तो 8 10 जा 80, अब ज्यादा हो जाएगा, 8 10 जा 80 है ना, यहाँ 75 है, 8 10 जा 80, यहाँ 80 आने लगा, इसका मतलब इसको करते हैं 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा 7, 749 आया ना, तो यहाँ पे 7 और यहाँ पे 7 लिखेंगे, 107 7 जा 749 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1। अगर ये 1 ना आया होता तो ये जो नंबर होता परफेक्ट स्क्वायर होता, बट यहाँ पे रिमाइंडर 1 आ गया, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो अगर मैं इस नंबर में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, तो यहां लिखिए सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 3250 टू गेट परफेक्ट स्क्वायर, टू गेट परफेक्ट स्क्वायर दैट इज कितना होगा परफेक्ट स्क्वायर, 3250 में से 1 गया तो 3249 आएगा, यस तो ये जो है ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब आपको इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3249 कितना आएगा, ये आएगा 57। हम लोगों ने इसको सॉल्व किया है, यही आपका आंसर है। ओके, नाउ फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे, फोर्थ पार्ट इज 825। पेयर बनाइए, सबसे पहले पेयर बना लिया,
अब यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, किस सेम नंबर से, कि 8 से ज्यादा ना हो, तो 2 2 जा 4, 3 और 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 9 हो जाएगा, 8 से ज्यादा हो जाएगा, तो 8 में से 4 गया 4, और यहाँ प्लस का 2 करेंगे, 2 और 2 4 बन गया, यहाँ 25 आ जाएगा। अब यहाँ पे और यहाँ पे कौन से सेम नंबर से मल्टीप्लाई कराएं कि ये 4 25 से छोटा हो, ठीक है, तो कौन सा नंबर हम मल्टीप्लाई कराएंगे, 4 की टेबल पढ़िए यहाँ पे, तो 4 अगर यहाँ 5 लिखूंगी, यहाँ 5 लिखूंगी, तो ये यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ 5 होगा यहाँ 5 होगा, तो 5 4 जा 20, 6 और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 जा 24, देन 7 4 जा 28, 8 4 जा 32, है ना, 9 4 जा 36, तो लगभग 9 के लगभग हम ले जाएंगे, ठीक है, 9 और 9 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कराइए, तो 49 को 9 से मल्टीप्लाई कराने पर देखिए यहाँ पे क्या आता है, 9 9 जा 81, यहाँ आया 8, 9 4 जा 36, 36 और 8 कितना हो जाएगा, 8 6 14, कैरी आया 1, 441 आ गया, इससे ज्यादा आ गया, तो इसका मतलब हमें 9 बार नहीं ले जाना है, हमें 8 बार ले जाना है, 48 को 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 8 8 जा 64, कैरी आया 6, 8 4 जा 32, 32 33 34 35 36 37 38, 384 आया, तो यहाँ पे 9 ला लिख के यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे 8 लिखेंगे, तो क्या आया 384, सब्ट्रैक्ट करिए, 5 में से 4 गया 1, और यहाँ एक कैरी ले आएंगे बन गया 12, 12 में से 8 गया 4, ये रिमाइंडर आ गया 41, अगर यही रिमाइंडर ना आया होता तो जो नंबर यहाँ पे लिखा है वो परफेक्ट स्क्वायर होता, बट यहाँ रिमाइंडर आ गया, इसका मतलब ये 825 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो अगर मैं इस नंबर में 41 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, यस बिल्कुल बन जाएगा, तो यहाँ लिखिए सब्ट्रैक्ट 41 फ्रॉम 825 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर दैट इज, क्या आएगा परफेक्ट स्क्वायर, तो 825 में 41 माइनस कर लीजिए कितना आएगा 4, और यहां है 12, 12 में से 4 गया 8, यहां 7, 784 आएगा, दैट इज 784, हमें परफेक्ट स्क्वायर पता चल गया, तो हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 784 कितना आ जाएगा, यही आएगा 28, दिस इज द आंसर, ओके। अब चलिए फिफ्थ पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, फिफ्थ पार्ट 4000, पेयर करिए, पेयरिंग कर लीजिए, पेयरिंग हो गई, अब यहाँ पे और यहाँ पे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कराइए कि 40 से ज्यादा ना हो, तो 6 6 जा 36, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4, यहाँ 6 और 6 ऐड कर दीजिए 12 आ गया, अब यहाँ ये 2 जीरो आ जाएगा, अब यहाँ पे और यहाँ पे कौन सा सेम नंबर लिखे कि जिसको मल्टीप्लाई करने पर 400 से ज्यादा ना हो, तो 123 को 3 से मल्टीप्लाई कराएं तो कितना आएगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 369 आ रहा है, अभी इससे छोटा है, एक बार 124 को 4 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, वैसे ज्यादा आ जाएगा बट आप लोग देख लीजिए, 4 4 जा 16, 1 आया, 4 2 जा 8, 8 1 9, एंड 4 1 जा 4, देखिए इससे ज्यादा आ गया, तो इसका मतलब हम यहाँ 3 और 3 लिखेंगे, तो 123 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा 369, सब्ट्रैक्ट कराइए, 10 में से 9 गया 1, एंड देन यहाँ क्या बचा 9, 9 में से 6 गया 3, तो रिमाइंडर आ गया हमारा 31, अगर यही रिमाइंडर ना आया होता तो ये जो नंबर होता परफेक्ट स्क्वायर होता, बट अभी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर कुछ आ रहा है, तो इसको अगर मैं इस नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो हमारा नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, तो लिखिए यहाँ पे सब्ट्रैक्ट 31 फ्रॉम 4000 टू गेट परफेक्ट स्क्वायर दैट इज, क्या आएगा परफेक्ट स्क्वायर, तो 4000 में 31 माइनस करिए, 10 में से 1 गया 9, यहां बचा 9, 9 में से 3 गया 6,
और यहाँ बचा 9 और यहाँ बचा 3, तो आया परफेक्ट स्क्वायर 3969। जब आपको परफेक्ट स्क्वायर पता चल गया तो अब आपको इसका स्क्वायर रूट बताना है। इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? यही नंबर होगा 63, क्योंकि हम लोगों ने निकाल लिया है। दिस इज योर आंसर। होप स्टूडेंट्स आपकी क्लास अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।